बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सरवत नास, बॉटनी की लेक्चरर। आज मैं आपको फर्स्ट ईयर की टेक्स्ट बुक से चैप्टर 8 किंगडम फंजाई पार्ट 8 एक्सप्लेन करूंगी। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको किंगडम फंजाई की डिवीजन डिट्रोमाइकोटा को एक्सप्लेन किया था। आज के लेक्चर में मैं आपको यूजफुल फंजाई और हार्मफुल फंजाई के बारे में बताऊंगी। यूजफुल फंजाई को देखते हैं, इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहले इसका इस्तेमाल गिजा के तौर पे होता है। मशरूम को देख लीजिए, ये गिजा के तौर पे दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ईस्ट यानी खमीर, ये डिफरेंट बेकरी आइटम्स में इस्तेमाल किया जाता है। पेनिसिलियम, ये दुनिया की डिफरेंट चीज इंडस्ट्रीज में इसको यूटिलाइज किया जाता है। इसके अलावा फंजाई मेडिसिन के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती है। बहुत सारी एंटीबायोटिक्स डिफरेंट फंजाई से एक्सट्रैक्ट की गई हैं, जैसे कि पेनिसिलियम, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिन, ओरियोमाइसिन, पैरामाइसिन एक्सेट्रा। फंजाई का इस्तेमाल क्लीनर्स ऑफ वर्ल्ड के तौर पे भी होता है। फंजाई जो है डिकम्पोज करता है डेड ऑर्गेनिक मैटर को, इस तरीके से वो वर्ल्ड के क्लीनर्स के तौर पे इस्तेमाल इनका किया जाता है। इसके अलावा ये सॉइल की फर्टिलिटी को असल में बढ़ा रहे होते हैं। जब ये डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं तो उसके नतीजे में सॉइल फर्टिलिटी असल में बढ़ रही होती है, ठीक है। इसके अलावा पैरासिटिक फंगस जो है इनका इस्तेमाल किया जाता है बायोलॉजिकल कंट्रोल में। वो कैसे कि ये अटैक करते हैं डिफरेंट इंसेक्ट्स पे, ठीक है, इस तरीके से बायोलॉजिकल कंट्रोल हो जाता है। फंजाई का इस्तेमाल बहुत सारी एसिड्स और अल्कोहल प्रिपरेशन में भी होता है। फंगस एस्परगिलस बहुत सारी एसिड्स तैयार होती हैं, जैसे कि सिट्रिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड वगैरह। इसी तरीके से यीस्ट से जो है अल्कोहल ऑब्टेन की जाती है। अब देखते हैं फंजाई क्या हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट करता है। सबसे पहले ये फूड स्पॉइल करता है। फंजाई जैसे कि राइजोपस, म्यूकर, एस्परगिलस, ये डबल रोटी पे, जैम पर ग्रो करके उन्हें तबाह करते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे पौधों में फंजाई की वजह से डिजीज होती है, जैसे कि फाइटोफ्थोरा इन्फेक्टेंट्स, इसकी वजह से लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज कॉज हो जाती है। और रस्ट स्मट फंजाई, ये बहुत सारे वीट, मेज, ओट और मुख्तलिफ पौधों में बीमारी कॉज करते हैं, उन्हें डैमेज करते हैं। और एल्बिगो जो है इसकी वजह से वाइट रस्ट डिजीज कॉज होती है रेडिश में, टर्निप में और कॉलीफ्लावर में। फंजाई की वजह से इंसान में मुख्तलिफ बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि एस्परगिलस की वजह से लंग्स की डिजीज हो जाती है, और डिफरेंट फंजाई की वजह से एथलीट फूट डिजीज भी कॉज हो जाती है, एलर्जी की प्रॉब्लम्स हो जाती है, मेनिनजाइटिस भी हो जाता है। फंगस कैंडिडा की वजह से मोनोलाइसिस हो जाती है, और रिंग वॉर्म जो है ये डैमेज करते हैं नेल्स को, स्किन को और हेयर्स को। फंगस चरने वाले जानवरों के लिए नुकसानदेह होता है, जैसे कि कैटल, जब ये गंदगी वाली जगहों से चर रहे होते हैं तो इनमें मुख्तलिफ बीमारियां फैलती हैं। इसी तरीके से फंगस जो है वो लेदर गुड्स यानी चमड़े वाली चीज़ें, टिम्बर, लकड़ी, कॉटन, बुक्स, इन सब को स्पॉइल कर देते हैं। आई होप आपको चैप्टर 8 किंगडम फंजाई अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।